दोस्तों मैं हूँ जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका लर्नर लाइसेंस आपने जो बनाया था अगर वो एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने में एक दो दिन बाकी है, तो लर्नर लाइसेंस में क्या होता है कि एक्सपायर डेट से एक महीना पहले आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो जब आपका एक्सपायर हो जाता है आपका लर्नर लाइसेंस, तो उस स्थिति में आप अपने लर्नर लाइसेंस को रेनवल करा सकते हैं, नहीं तो आपको फिर से दोबारा आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें फिर से टेस्ट देना होगा, इसलिए आपको डबल चार्ज लग सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लर्नर लाइसेंस को रेनवल कैसे करें, रेनवल करने में कितना चार्ज लगता है, क्या प्रोसेस हम आपको बताएंगे। हम आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड हर छोटी मोटी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लर्नर लाइसेंस कैसे बनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर बन गया तो सुधार कैसे करें। आज के इस वीडियो में बता रहे हैं कि लर्नर लाइसेंस को रेनवल कैसे करें अगर आपका एक्सपायर डेट हो गया है या आपका एक महीना, मतलब कि इसका नियम है कि लर्नर एक्सपायर होने से एक महीना पहले आपको डीएल के लिए अप्लाई करना होगा। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब गूगल पे सर्च करना है वाहन परिवहन, ठीक है, या आप परिवहन डाल सकते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट पे आ जाएंगे parivahan.gov.in पे। उसके बाद इस वेबसाइट पाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिला ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये वेबसाइट आपके स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। लर्नर लाइसेंस को रेनवल करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस फॉर एक्सपायर क्लास ऑफ व्हीकल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपायर लर्नर लाइसेंस नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए एक्सपायर लर्नर लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। तो आपको लर्नर लाइसेंस नंबर डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना। तो जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे लर्नर लाइसेंस पर नाम और उसके फादर का नाम जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है, ये नाम वगैरह सही है तो कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, तो ये सब डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस में अगर करेक्शन करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए टू व्हीलर फोर व्हीलर जो आपने सेलेक्ट किया था पहले वाले लर्नर में वो आपको दिखने को, ये दोनों को सेलेक्ट करके आपको इस सेलेक्ट कवर में आपको कन्वर्ट कर लेना होगा। इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो ये दोनों पहले था और मैं जो रेनवल कराऊंगा उसके बाद भी हमें ये दोनों ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में लगने वाला एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक लर्नर लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट में आपको प्रूफ देना होगा, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके अभी रख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट एनलॉजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इनको सेव कर लेता हूँ क्योंकि इसकी काम हमें बाद में कभी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको सेव करके रख लेते हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर लिया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तीन स्टेप हमें इसके लिए पूरा फॉलो करने थे। एक तो पहला डिटेल था जो कि मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखा था, फिलअप था जो आपको ने देखा, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसके बाद यहाँ पे तीसरा आपको फी पेमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे लगा हुआ बॉक्स में, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक कर एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ आपका डिटेल आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दो डाउन अपलोड करना है, एक फॉर्म वन सेल्फ डिक्लेरेशन और लर्नर लाइसेंस, ठीक है। फॉर्म वन का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप कर सकते हैं। और नंबर टू में लर्नर लाइसेंस आपको अपलोड करना होगा। जैसे अब मैं फॉर्म वन अपलोड करूँगा तो फॉर्म वन को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ में भी फॉर्म वन को सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर इशू वगैरह सबको आपको खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना, सिंपली से आपको यहाँ से अपलोड करना है जिसकी साइज 200 KB से कम होनी चाहिए, जो कि JPG या PDF में होना चाहिए। तो चलिए फॉर्म का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले फॉर्म को, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, ये एक पेज का फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। और फॉर्म में क्या क्या भरना है, सबसे पहले ऊपर में नाम भरना है जिसका आप लर्निंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना चाहते हैं, उसका नाम भरेंगे। दो नंबर में उसके पिता का नाम देंगे और तीन नंबर में उसका परमानेंट एड्रेस देंगे और चार नंबर में टेम्पोररी एड्रेस देंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों एड्रेस सेम इंटर कर दीजिए। और ये चार नंबर जरूरी भी नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं, तो खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस दे दीजिए और टेम्पोररी एड्रेस को खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें आप टेम्पोररी एड्रेस में DO लिख सकते हैं, मतलब जो ऊपर में एड्रेस है वही एड्रेस टेम्पोररी में भी है। उसके बाद पाँच नंबर में आएंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, उसके बाद यहाँ पे एज दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ भी दे देंगे, एज भी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क मांग रहा है, मतलब कि आपके बदन पे कोई तील वगैरह या कटा उटा का निशान है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इतना चीज़ आपको देने के बाद ये सब में अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिएगा। मैं आपको सजेशन देता हूँ, सब में 9 9 9 सभी 9 में टिक मारना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा जिसका आप लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल करना चाहते हैं, कस्टमर का यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आपको सिंपली सा स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म को यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैंने आपको अभी दिखा देता हूँ ओपन करके भी एक बार, आप देख सकते हैं ये फॉर्म फिलअप है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस में डू ही लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे एज दे दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ दिए, एज दिए, उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए हैं, उसके बाद सभी में 9 मारे हैं, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके इस तरह ये फॉर्म स्कैन कर लिए हैं। अभी इस फॉर्म को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखते फॉर्म सेलेक्ट हो चुका, अब यहाँ पे कर देना होगा अपलोड। तो यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है। अपलोड हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर जो कि सेव हो गया है, अपलोड हो गया है। ठीक, अब दूसरी में यहाँ पे लर्नर लाइसेंस जो उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, और यहाँ पे हम लर्नर लाइसेंस को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमको लर्नर लाइसेंस को चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, और जो भी लर्निंग लाइसेंस है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका, अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली, सभी डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ फॉर्म भी फिलअप हो चुका, डॉक्यूमेंट भी अपलोड, अब यहाँ पे फी पेमेंट मांग रहा है। फी को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और आगे चल के हम देखते हैं फी कितना लग रहा है, कितना फी हमें रिन्यूअल करने में लग रहा है। तो उसके बाद कुछ इस तरह पेमेंट का आपको दिखने को मिलेगा इंटरफेस। तो उसके बाद यहाँ देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, मोटरसाइकिल वेकेंस का, और यहाँ पे आपको रोड सेफ्टी सा, यानी कि टोटल अभी यहाँ पे आपको 650 रुपये लग रहा है। ठीक है, अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाते हैं न्यू फिर से अगर बनवाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रुपया लग सकता है, लेकिन रिन्यूअल कीजिएगा तो यहाँ पे 650 रुपये आपको लग रहा है। ठीक है, अगर आप न्यू बनवाइएगा तो 790 तक आपको लर्निंग लाइसेंस का चार्ज देना होता है। यहाँ पे रिन्यूअल करने में 650 रुपये आपको टोटल पेमेंट करना होगा। उसके लिए हम बैंक में गेटवे में यहाँ पे ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कैप्चर यहाँ पे दिखने को मिला, इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पे कैप्चर देने के बाद यहाँ पे पेनो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर मिसमैच बता रहे, कैप्चर को हम फिर अप कर लेते हैं न्यू कैप्चर। उसके बाद यहाँ पे पेनो पे क्लिक करेंगे न्यू कैप्चर देने के बाद, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री करना है, एग्री करने के बाद उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर। तो दोस्तों वहाँ पे जाएंगे और आपको पेमेंट कर देना, आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी लर्नर को एक्सपायर
पेमेंट आपको कर देना, आपको मालूम होगा पेमेंट कैसे करते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, आप लर्नर बनाते वक्त भी पेमेंट किए होंगे, ठीक है। पेमेंट कर देने के बाद आपको क्या करना, उस स्टेप को क्लोज कर देना। जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपको फिर से इसी वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड फॉर्म का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, जो कि आपके मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है वो एप्लीकेशन नंबर, या जो आपने सेव किया था रसीद को उसको आप उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कैलेंडर से जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। इस टाइप का आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी ईयर होगा ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने पेमेंट नहीं किया, यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो भी मिला होगा उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे यहाँ पे सबमिट करेंगे। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए मैं यहाँ पे सबमिट में, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर देंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर, जैसे ये सब इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड फॉर्म हो चुका है। इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इस फॉर्म को प्रिंट करने की बात, ये फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर्म कुछ इस तरह, ये फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। इस फॉर्म को प्रिंट करने के साथ साथ जब आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट के बाद भी आपको एक रसीद मिला होगा, उस रसीद को भी निकाल लेना है। ये फॉर्म को प्रिंट करना है, वो पेमेंट रसीद को निकालना है, और आपको अपने लर्नर लाइसेंस जो आपने लगाया था उस लर्नर लाइसेंस का जीरोक्स, और जो ने अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट करके उस फिलअप करके लगाया था वो फॉर्म, ये सब आपको फिलअप करके मतलब कि प्रिंट करके आपको जाना, आपको आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में काउंटर पे जाएंगे, इसको आप जमा कर देंगे। वहाँ पे जमा करने के बाद आपको उनके द्वारा एक न्यू लर्नर लाइसेंस फिर से जारी कर दिया जाता, तो आपको वहाँ पे जाके काउंटर पे जमा करेंगे तो आपको फिर से एक रेनवल करके न्यू लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह मैंने आपको प्रक्रिया बताया रेनवल करने, इस तरह आप प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और जो रसीद निकलेगा, रसीद और जो पेमेंट स्लिप वो और लर्नर लाइसेंस सेल्फ डिक्लेरेशन ये सब के साथ आपको आपको जमा करना होगा आरटीओ के काउंटर पे, वहाँ जमा करेंगे। वहाँ पे आपको फिर से लर्नर लाइसेंस को रेनवल करके न्यू लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। इसके लिए आपको कहीं पे एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए आपको फिर से एग्ज़ाम देना की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन रेनवल करने के लिए डीएल को या एलएल को लर्नर लाइसेंस को रेनवल करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही मत भूलिएगा। यहाँ मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियो मैं आपको दिया हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया था लर्नर लाइसेंस कैसे बनाए, उसके बाद यहाँ मैंने बताया ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बन चुका है तो उसको सुधार कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था लर्नर लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया तो उसको रेनवल किस तरह करें। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ लाएंगे, अगर आपका लर्नर लाइसेंस बन चुका है तब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको हर एक तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पेंशन वाले को लाभार्थी का पेंशन कैसे करें, मंत्रा से और स्टेटस कैसे चेक करें किसका हो गया किसका नहीं हुआ, और मार्फो से कैसे करें उसके बारे में पहले आपको वीडियो बना दिया थी ये वाले, ठीक है। और इसी तरह के मैं आपके लिए काम की हर वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर।